अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अशफाक ख्वाजा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त चाइना में हूं और मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज मैं जो है वो एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे को जो है वो इस टाइप की वीडियोस बनाने का बहुत ही शौक था शुरू दिन से, लेकिन मैं जो है वो बना नहीं सका। लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो देख के जो है वो आपको भी बहुत ही जो है वो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत ही अच्छी वीडियो लगेगी आपको। और आप जो है वो अगर आप बिजनेस माइंड लोग हैं, अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि आप चाइना से किस तरह बिजनेस करें, तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। तो मैं आज आपको जो है वो मिलवाने जा रहा हूँ बांग्लादेशी स्टूडेंट से जो चाइना में जो रहती है गुलिन सिटी में हमारे साथ, हमारे जो हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ती है हमारे साथ। तो वो चाइना से किस तरह बिजनेस करती है, वो पाकिस्तान भी चीज़ें बेचती है और वो बांग्लादेश भी चीज़ें बेचती है, उसके साथ साथ श्रीलंका, नेपाल और फ्रांस तक उन्होंने जो है वो प्रोडक्ट्स भेजी है। तो वो किस तरह बेचती है, कहाँ से वो चीज़ें लेती है, चाइना के कौन से सिटीज़ हैं, उसको जो है वो चीज़ें कितने में मिलती हैं, क्या उसका मुनाफा मिलता है उसको, और वो किस जरिए बेचती है, बाय एयर बेचती है, बाय सी बेचती है, तो वो सब कुछ जानेंगे उसकी दबानी। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ जी। तो मैंने आपका तारुफ जो है वो करवा दिया, लेकिन आप फिर भी जो है वो अपना थोड़ा बहुत तारुफ करवा दें, अपने बारे में कुछ बता दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने को लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया नाजिम, मैं गुलिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में पढ़ती हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत बिजनेस भी कर लेती हूँ, मतलब चाइना से प्रोडक्ट बेचती हूँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फ्रांस और मुख्तलिफ कंट्री में बेचती हूँ। तो आज मैं बहुत कुछ बोलने को कोशिश करूंगी कि मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट किया हूँ और किस तरह से बिजनेस करना चाहिए चाइना से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट बेचने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो हम लोग दूसरे एपिसोड ले आने की कोशिश करूंगी, और आप कमेंट भी कर देना हम लोगों को। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपको बिजनेस करने का ख्याल किस तरह आया, ये ख्याल कब आया और ये ख्याल क्यों आया, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं जी। असल में मैं जब पहले 2017 में चाइना में आई हूँ, तो तब मुझे इधर आने की बात महसूस हुआ है कि हम लोग जब यूरोप कंट्री में जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, तब उधर मतलब पार्ट टाइम जॉब भी होती है, फिर कुछ ना कुछ किसी भी तरह से स्टूडेंट कुछ कमा लेती है पैसे। लेकिन मैं जब चाइना में आई हूँ तब मुझे पता चला कि इधर हम लोग कोई जॉब भी नहीं कर सकती हूँ, फिर पार्ट टाइम भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर बाद में मेरे ख्याल आया, क्योंकि हम लोग इधर पढ़ने आई हूँ तो चाइना बिजनेस के लिए बेस्ट प्लेस है, तो मैं सोची क्यों ना मैं कोशिश करती हूँ जो चाइना में बिजनेस ही करूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, साथ में बिजनेस भी बिल्डअप हो जाएगा। तो तब से मैं थोड़ी बहुत इंटरनेट पे सर्च कर रही थी जो कि किस तरह से बिजनेस करना है। तो फिर बाद में पता चली जो चाइना में हर कुछ मिलती है, हर एक चीज मिलती है चाइना में, तो तब से मैंने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले मैं मतलब जब बिजनेस स्टार्ट की हूँ तो मैं ऑनलाइन से ही परचेस करती थी प्रोडक्ट, बाद में देखा ऑनलाइन से मैं जब प्रोडक्ट परचेस करती हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत महंगा पड़ते हैं, तो फिर मैंने दूसरी जो सिटी है सिटी वगैरह में घूमना शुरू कर दिया। तो जब मैंने घूमने गए तब मेरे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हो गया, तो आज अल्लाह की रहमत से 3 साल हो गई मैं बिजनेस कर रही हूँ, अभी मेरे बिजनेस भी थोड़ी बहुत बिल्डअप हो गया। तो पहले मैं बांग्लादेश भेजती थी सामान, फिर बाद में मैं पाकिस्तान भी भेजी, तो फिर फ्रांस में भी भेजी, दूसरी जो नेपाल है नेपाल में भी भेजी। और खास करके और एक जो चीज है ना, मैं महसूस की हूँ क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हम लोग एशियन कंट्री का लड़की हूँ, तो हमारी कंट्री में अगर मैं बिजनेस करने जाती हूँ तो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम फेस करना होती है। लेकिन मैं जब चाइना में आया हूँ तो इधर देखा हूँ, मतलब इधर लड़की जो है, ठीक है, खास करके जो लड़की है, सारे लोगों के लिए इधर सेफ है, तो हम लोग सेफली बिजनेस कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए मैं सोचा चलो मैं बिजनेस कर ही लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि शुरू में बंदा जो होता है उसको कुछ भी पता नहीं होता कि मतलब कि बिजनेस किस तरह किया जाए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एक मसला मैं जो हूँ, मतलब कि एक नया बंदा हूँ, ठीक है, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं किस तरह से उसको स्टार्ट करूँ, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, क्या मतलब करना पड़ता है, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो उस बारे में कुछ बताएं हमें। अच्छा,
ये तो सही है ना, क्योंकि हम लोग इधर स्टूडेंट हूँ तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता रहते हैं पहले जो किस तरह से क्या करना है। क्योंकि हम लोग इधर तो स्टूडेंट हूँ तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए टाइम के बारे में, क्योंकि इधर क्लास भी चलते हैं, हम लोगों को क्लास भी करना पड़ता है, उसके साथ हम लोग बिजनेस करती हूँ, तो सबसे पहले हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना है। दूसरी जो बात है वो है हमको किस तरह की प्रोडक्ट लेकर काम करूंगी, मतलब चाइना में बहुत सारी चीजें ए टू जी आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए सारे कुछ चाइना में है, तो हम लोगों की पहले फोकस करना पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब ये हो सकता है बैग, ये हो सकता है शूज, ये हो सकता है मतलब कॉस्मेटिक वगैरह, या फिर जेंट्स का जो है हुडी, फिर कैप, अभी विंटर आए हैं तो विंटर में जो चलती है सारे कुछ ही चाइना में है। तो सबसे पहले हम लोगों को टाइम के ऊपर ध्यान देना है, सेकेंडली प्रोडक्ट, और तीसरे जो है हम किधर से ये चीज बहुत सस्ते से ले सकूंगी, क्योंकि ऑनलाइन पे जो चीज हम लोगों को मिलती है ये तो जो अलीबाबा और अली एक्सप्रेस से हम लोग जो परचेस करते हो ये जहर सी बात है, ये इसमें हम लोगों को चीप नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हम लोग जिधर मैन्युफैक्चरर हो मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट, उधर हम लोगों की बहुत चीप प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि अली एक्सप्रेस और अलीबाबा जो आपने वेबसाइट बताई उस पे जो रेट जो शो होते हैं प्रोडक्ट्स के उसमें, और जो आप कंपनी में जाके जो यहाँ पे फेस टू फेस आप कंपनी में जाके जो रेट आपको मिलते हैं उनमें क्या फर्क है? क्या वो रेट के जो है वो ऊपर नीचे का फर्क होता है? और उसके अलावा उसकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट में, जो ऑनलाइन वो प्रोडक्ट्स देते हैं और जो आप कंपनी में जाके लेते हैं, तो उसमें क्या फर्क है? इस बारे में जो है वो काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो उस बारे में हमको थोड़ा बताएं। हाँ ये सच है कि बहुत सारे लोग अलीबाबा और अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, लेकिन आप जब अली एक्सप्रेस और अलीबाबा से कोई प्रोडक्ट परचेस करोगे और आप मतलब तब बहुत सारी आपको प्रॉब्लम फेस करना है, इस तरह की प्रॉब्लम है, मतलब एक नंबर की जो प्रॉब्लम है, आप प्रोडक्ट नहीं देख सकते हो जो किस तरह की प्रोडक्ट ये दे रहा है सेलर, क्या अच्छा है या फिर ये फ्रॉड है आपको पता नहीं चलता, ये एक है। दूसरे जो मसला है, सबसे बढ़िया जो मसला है वो है आपको पेमेंट का मसला, फिर भी चलो आप अगर पेमेंट कर देती हो ना, फिर आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा ये 1 माह के बाद भी आपको मिल सकता है, या फिर ऐसे भी होता है कभी कभी बहुत ज्यादा दिन भी लगते हैं। अभी बहुत सारे लोगों की मन में ये क्वेश्चन आ ही जाता है जो क्यों हम लोग नहीं अलीबाबा और अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट नहीं लोगी, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, मैं मेरी एक्सपीरियंस से देखी हूँ, हाँ मिल जाती है कभी कभी अच्छे प्रोडक्ट भी मिल जाती है, लेकिन फ्रॉड की जो मसला है ना ये हो ही जाता है, मतलब कभी कभी होती है फ्रॉड का भी मसला, तो ये जरूर एक सिंपल सी चीज है, अगर आप ऑनलाइन पे ना लो, अगर आप मैन्युफैक्चरर कंपनी या फिर जिधर ये प्रोडक्ट बहुत सारे हैं उधर अगर जाके आप ले लो, तो इसमें बहुत मतलब आपको चीप से प्रोडक्ट मिल जाएगी चीप प्राइस में। तो ये कोरोना वायरस की सिचुएशन के वक्त मेरी एक एक्सपीरियंस है, मतलब मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मेरी कंट्री का एक भाई है, उसने अलीबाबा की जो सेलर है सेलर के साथ रफ्ता करके फिर 3M का मास्क ऑर्डर की थी, तो जब ये 3M का मास्क उसने ऑर्डर किया था, उसने पेमेंट भी कर दिया था सही तरह से, फुल पेमेंट कर दिया था, बाद में जब इसको ये 3M का मास्क भेजा था तो तब वायर हाउस में जब ये पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने चेक करके देखा उधर कोई मास्क नहीं था, उधर बिस्किट था। तो इस तरह से बहुत सारी केसेस है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग कोशिश करो जो चाइना में रहता है, या फिर आप लोग अगर चाइना में रहते हो तो आप खुद जाके ना कंपनी में बात करके, या फिर जिधर होलसेल मार्केट है होलसेल मार्केट में जाके ना फिर आप लोग प्रोडक्ट खरीदने को कोशिश करो, ये सही रहता है, क्योंकि जब आपकी कंट्री की कोई बंदा रहती है ना, या फिर दूसरी कंट्री के आपको ट्रस्ट करने वाला जो बंदा होती है उसके उसको अगर आप भेजोगे ना दूसरी सिटी में या फिर कोई कंपनी में, तब ये देख भी सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, लेकिन ऑनलाइन में तो हम लोग अभी बहुत सारे कुछ एडिट भी कर सकती हो, बहुत सारे मसला होता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कौन कौन से सिटीज गई हैं मतलब के बिजनेस के लिए, और यहाँ पे चाइना में कौन कौन से ऐसे बड़ी सिटीज हैं जो बिजनेस के हिसाब से मतलब के फेमस हैं, तो आप उनके नाम्स बताएं हमें, उनके नेम्स उनको बताएं, और उसके अलावा अगर मैं उन सिटीज में जाता हूँ होलसेल मार्केट वगैरह में विजिट करने के लिए, तो वहां पे मैं शॉप्स में जाता हूँ या वहां पे मैं कंपनी से विजिट करता हूँ, कंपनी से सामान लेता हूँ, तो वहां पे मैं पेमेंट जो है वो किस तरह करता हूँ, या आया वहां पे जो है वो कार चलता है, या मैं ऑनलाइन जो है वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए, या कौन सी ऐसी पेमेंट का मेथड है वो आप उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो ये सब लोग जानते हैं जो गुआंगजू, गुआंगजू पॉपुलर सिटी है, गुआंगजू में कैंटून फेयर भी होती है, तो उधर बहुत सारे होलसेल मार्केट होता है, तो मैं सबसे पहले जब गई थी तो मैं गुआंगजू में गई थी, तो
तो ज्यादातर मैं ग्वांगजू में जाती हूँ। ग्वांगजू की जो होलसेल मार्केट है उधर बैग भी मिलती है, फिर शूज भी मिलती है, तो उधर मेकअप की भी मार्केट है, मतलब सारी कुछ की आपको, मछली का भी बहुत बड़ा मार्केट है, सारी कुछ जो आपको चाहिए सारी कुछ ग्वांगजू में भी मिल जाएगा। लेकिन ग्वांगजू में बहुत ज्यादा फॉरेनर बंदा आते हैं, इसलिए उधर आपको आलीपे से भी आप पे कर सकते हो, या फिर आप उचेट से भी पे कर सकते हो। चाइना में जो लोग रहते हैं ना, ये लोग कैश का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ये लोग आलीपे और उचेट पे पेमेंट करते हैं वगैरह सारे कुछ, सब हर जगह पे, चाइना की हर जगह पे आलीपे और उचेट चलते हैं। तो जिन लोगों के पास आलीपे और उचेट नहीं रहता, मतलब कि नया आते हैं चाइना में फिर बिजनेस करने के लिए 2-1 महीने के लिए, ये लोग कभी कभी कार्ड से भी पेमेंट कर लेती है, लेकिन कार्ड में पेमेंट करने का एक मसला होती है, इधर बहुत ज्यादा चार्ज है। तो ये सही रहते है कि हम लोग आलीपे या फिर उचेट पे पेमेंट कर दूं। तो आप लोगों के लिए सलाह ये है कि अगर आप लोगों को कोई दोस्त या फिर कोई जाने पहचान वाले लोग है तो उसके पास आप पैसे दे दो, ये आपका पैसे पेमेंट कर देगा, ट्रस्ट करने वाला कोई बंदा हो तो। तो इसलिए असल में जो बाहर में रहती है, जो बाहर के लोग है ना, जो चाइना से बाहर रहती है, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फ्रांस में, ये लोग ढूंढते हैं जो हम किस बंदे से प्रोडक्ट ले सकती हो। एक चीज है जो प्रोडक्ट खुद देख के खरीद सकते हैं, दूसरी चीज है पेमेंट का मसला है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी बात ऐड करके बता चलूं कि अलीपे और वीचैट यहाँ पे दो ऐसी एप्लीकेशन है, वो खाली जो है वो मैसेजिंग चैट वगैरह के लिए यूज नहीं होती, लेकिन पैसे ट्रांसफर वगैरह करने के लिए भी यूज होती है। तो अलीपे जो है वो अलीबाबा की कंपनी है, जेकमा को आप जानते होंगे कि ये चाइना का जो है फेमस बिजनेसमैन है, और काफी लोग जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में जो है वो अलीपे की जो है वो एप्लीकेशन यूज करते हैं, और उसके साथ साथ वीचैट भी जो है वो यहाँ पे चलता है। तो वीचैट खासकर मैसेजेस के लिए यूज होता है, लेकिन उसके साथ वहाँ पे जो है बहुत सारी दूसरी सर्विसेज भी होती है। तो बड़ी सर्विस है वो पेमेंट की है कि हम जो है वो बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं अपने पैसे और किसी और दोस्त को ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास आजकल इजी पैसा वाली सर्विस चल रही है अपने दोस्तों को पैसे वगैरह ट्रांसफर करने की। तो ये चाइना में जो है वीचैट जो है वो बहुत ही फेमस है, ये टेंसेंट कंपनी की जो है वो एप्लीकेशन है। तो जहाँ पे कंपनी में जो बिजनेसमैन जो जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए, या उनकी जो आउटलेट्स होती हैं वहाँ पे सामान लेने जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वो खासकर वीचैट या अलीपे के जरिए पेमेंट करते हैं। तो अभी मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपने अभी खाली ग्वांगजू के बारे में बताया, तो ग्वांगजू के साथ साथ ऐसे दूसरे कौन से सिटीज हैं जिनमें जो है वो आप जाते हो, या जहाँ से बिजनेस किया जा सकता है? हाँ, इधर ग्वांगजू के बगैर भी बहुत बहुत सारे सिटी है, लाइक शेंजन है, फिर यू सिटी है, निंगबो सिटी है, फुजियान सिटी है। तो शेंजन तो सब लोगों को पता है, शेंजन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया मार्केट है, इधर बहुत बड़ा एक मार्केट है, मतलब चाइना की बेस्ट जो मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, या फिर मोबाइल बोलो, जो भी बोलो, मोबाइल की और लैपटॉप की सारे पार्ट्स मिल जाते हैं शेंजन में। और ईयू सिटी में आपको बहुत सारे चीज मिल जाएगा, मतलब घर जो होम डेकोरेट करने का जो प्रोडक्ट है वो भी मिल जाएगा आपको, फिर जेंट्स प्रोडक्ट, लेडीज प्रोडक्ट, बेबी आइटम, सारे कुछ ईयू में आपको मिल जाएगा। निंगबो जो सिटी है, निंगबो सिटी में आप मशीनरीज जो प्रोडक्ट होती है, ज्यादातर मशीनरीज प्रोडक्ट के लिए निंगबो मतलब फेमस है। और फुजियान जो सिटी है, फुजियान सिटी जूते के लिए बेस्ट है, उधर होलसेल जो मार्केट है उधर मिल जाती है। तो इस तरह से भी बहुत जगह है जिधर से आप कुछ ले सकते हो, लेकिन हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करूंगी या फिर ज्यादातर पर्सन ना इधर से ही लेती है होलसेल से। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है वो सामान ले लिया, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए थी मैंने वो ले ली, मैं इवू गया, ग्वांगजू गया, वहां से मैंने जो है वो सारा सामान लेके मैंने अपने जो है वो पैकिंग सारे कुछ कर दिए। तो अभी मैं उनको जो है वो अपने कंट्री किस तरह भेजूं, कोई ऐसी कार्गो की सर्विस है, या मैं DHL के जरिए भेजूं, या चाइना पोस्ट, ऐसी कौन सी सर्विस है, आप जो है वो किस जरिए अपना सामान बेचती है वहां पे? तो हाँ, ये एक चीज है, क्योंकि हम लोग सामान भी खरीद ले तो आसानी से, लेकिन भेजू कैसे? तो भेजना है हम लोगों को लॉजिस्टिक कंपनी के दौरान, ये इधर जो ग्वांगजू है, यू सिटी है, दूसरी सिटी में बहुत सारी, मतलब आपकी जो कंट्री है पाकिस्तानी बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी है, उधर जाके अगर आप रब्ता करोगे तो ये लोग आपकी प्रोडक्ट सेंड कर देगा। तो दो तरीके से सेंड कर सकती है आप प्रोडक्ट, एक है बाई एयर और एक है बाई सी। तो अगर आपको इन लोगों ने जो बाई एयर में आपको प्रोडक्ट पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन टाइम लगेगा, 7 से 10 दिन, और जब आप बाई सी से भेजोगे तो ये 30 डे से 45 डे तक भी लग जाती है। तो जब आपको अगर थोड़ी चीज होती है ना, मतलब कि आपको 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो की चीज होती है, तो आप आराम से बाई एयर भेज सकते हो। लेकिन ये होती है अगर आपको कोई मशीनरी चीज या फिर आपको बहुत भारी कोई चीज भेजना है पाकिस्तान, तो आप बाई सी से भेजोगे।
और अगर आपको कुछ सैंपल वगैरह भेजना है तो आप तब DHL के बारे में आराम DHL के जरिए आप आराम से ले सकते हो। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सामान हमने जो है वो लॉजिस्टिक कंपनी से भेज दिया, सामान वहां पे पहुंच जाता है किसी भी कंट्री में हम बेचते हैं, मिसाल पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया, तो वहां पे सामान जो है वो कस्टम में फंस जाता है। अगर लॉजिस्टिक कंपनी में बेचते हैं तो यहाँ पे जो एजेंट होता है या DHL वगैरह, तो वहां पे बोलते हैं कि भाई आप आ जाओ, कस्टम अपने आके क्लियर करवाओ, जो हमको उतने पैसे दो, या उसका क्या सीन है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। इधर दो चीजें, एक है जिन लोगों के पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला लाइसेंस होती है ये लोग खुद अपने पैसे से कस्टम्स क्लियरेंस कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इधर स्टूडेंट हूँ या फिर बहुत सारे इधर इम्पोर्टर भी है, क्योंकि कस्टम्स में बहुत ज्यादा पैसे देना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इजी से लॉजिस्टिक कंपनी के साथ रब्ता करते या फिर लॉजिस्टिक कंपनी के साथ पार्टनरशिप ले लेती है। तो इधर एक काम जो है आसान चीज है और ये बहुत बढ़िया भी चीज है, जो आप अगर लॉजिस्टिक कंपनी के दौरान प्रोडक्ट सेंड करोगे ना तो लॉजिस्टिक कंपनी आपका जो कस्टम क्लियरेंस है ये जो आपको सर्विस है ये सर्विस इन लोगों ने दे देगा। लेकिन आप जब कोई प्रोडक्ट DHL के दौरान भेजोगे तो आपको ये लोग, अगर आपको कोई प्रोडक्ट आप भेजो, सपोज आप एक कैब भेजो या फिर आप ड्रेस भेजो, तो ये अगर आपको कस्टम्स पकड़ा जाए या फिर ये लोग बोले आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपकी कंट्री में जो टैक्स का वैल्यू है ये वैल्यू उधर पे करना पड़ेगा। तो मेरा ये सवाल आया आपसे और मुझे यकीन है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं लोग उनके मन में भी ये सवाल आएगा कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो इनिशियल जो उनको जो है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है वो कितनी, मतलब कि वो कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट वो ले और कितनी मिनिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, फिर आस्ता आस्ता जाके वो जो है अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ाते जाए, तो उसके बारे में अपने व्यूवर्स को कुछ बताएं। हाँ, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हो, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप हो, हम लोग शुरू कर रहे हो नया, तो जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करने जाते हैं उसके पहले सबसे पहले उसको ध्यान देना चाहिए फाइनेंशियल प्लान पे। तो आप सबसे पहले आप लोगों को इस तरह की प्रोडक्ट चूज करना है जिस प्रोडक्ट आपकी अगर एक माह दो माह भी पड़े रहे ना फिर भी ये खराब नहीं होती, इस तरह की प्रोडक्ट लेके आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। और दूसरे जो पॉइंट है, जो आपकी कंट्री का जो लोग है ना, लोगों की जरूरत है, नीड है, उस तरह की प्रोडक्ट आपको भेजना चाहिए। तो सबसे पहले ना आप छोटा छोटा करके शुरू करो, क्योंकि मतलब आप 10 kg से 10 kg प्रोडक्ट ले लो, आप भेजो, फिर बाद में आपको जो बेनिफिट आ रहा है उससे आप दोबारा इन्वेस्ट करो इस तरह से। तो पहले आप मेरे ख्याल से आप 10,000 या 15,000 से भी शुरू कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट मतलब छोटे छोटे बॉक्स करके, कार्टून करके पहले आप भेजो, तो आपकी जब एक्सप्रेस हो जाएगा ना तो फिर आप बहुत बढ़िया मतलब बिजनेस शुरू कर सकते हो इधर। तो मेरे सलाह यही रहेगा जो लोग नए बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो सबसे पहले सब कुछ प्लान करके फिर छोटे छोटे करके स्टेप छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके फिर जाना है, तो आपको इधर बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो जब आप कोई गलती कर बैठोगे, क्योंकि ये तो होती है बिजनेस की मतलब होती है, कभी आपको नुकसान होगी कभी आपको बेनिफिट मिलेगी, तो जब भी आप गलती करोगे ना तो ये गलती का तजर्बा भी हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी उम्मीद है आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वीडियो की लास्ट में मुझे एक बात बोलनी है, जो मैं बांग्लादेशी हूँ, आप लोगों की जो जुबान है मुझे अच्छी तरह से नहीं आती, तो इसलिए मैं शर्मिंदी हूँ और मैं आपके पास क्षमा भी चाहती हूँ। अगर आप लोगों की और भी ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अशफाक खोजा से पूछ सकते, कॉमेंट बॉक्स में आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को सलाह देने के लिए। तो दोस्तों ये आज तक की थी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो है वो काफी सवाल इस वीडियो में कवर किए होंगे, लेकिन अभी भी आपका कोई ऐसा सवाल है जो मैं कवर नहीं कर सका तो आप अपने कमेंट्स में जो है वो सवाल को मेंशन कर दीजिए, तो मैं अगली दफा जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं उन सवालों को जो है वो उस पर फोकस करूंगा। तो और आपके लिए सबसे बड़ी ऑफर ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो बिजनेस करने का जो है वो शौक रखता है, जिसको बिजनेस करना है चाइना से, उसको प्रोडक्ट्स मंगवानी है, चाहे वो बंदा पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, मतलब अपने एशियन कंट्रीज किसी का भी हो या मतलब यूरोप साइड का, तो वो नादिया से रब्ता कर सकता है। नादिया की जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए उसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके और भी कुछ सवाल आता है तो आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।